कैमरा लाइट। एक मिनट यार, चल बस यार शुरू कर दे हैं क्योंकि ऑनलाइन। चलो कर लो घ्यो नूं भांडा। उठा लीए कि सुते रहन दईए जी। तरस आ गया तुहानूं इन्हां ते, तरस मैनूं भी आ रहा। मेरा भी जी करता कि इन्हां नूं मैं सौण दियां, पर जे इन्हां नूं सौण दिता तो प्रोग्राम अगे नहीं चलना। इन्हां नूं जगावांगे तो प्रोग्राम चलेगा। तुसीं अपणियां नींदां छड्ड के साडा प्रोग्राम वेख रहे हो ते असीं सौं जीए तो गल माड़ी है। उठा ही लीए मेरे ख्याल नाल। जागो मोहनी प्यारे। सॉरी सर, गुड नाइट सर, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर। जेड़ी भी गोड है कि छड्डो, मैनूं पता किन्नी कि गोड है। ये रात की गल सस बहू दा सीरियल वेख के फिर उत्ते कॉन्फ्रेंस चलती रही है। नहीं सर, तुहानूं पता आजकल राती जल्दी नींद आंदी किथे है। मतलब रात सुते ना ते फिर सवेरे इत्थे प्रोग्राम जाके सारी नींद दा जिहड़ा खमियाजा पूरा कर लिया है ना। दैट्स गुड, दैट्स गुड। सर मेरा यह मतलब नहीं सी। मतलब जो भी सी मैं समझ गया रोजी जी। दरअसल चक्कर ये है कि बैठो तुसी, कोई डी गल नहीं। नींद चीज़ ही बड़ी कपत्ती है, कितने भी आ जाती है। बहुत खूब किया जी किसी ने, नींद ना वेखे बिस्तरा ते भुख ना वेखे मास, मौत ना वेखे उम्र नूं ते इश्क ना वेखे जात। सब तो पहला नींद का जिक्र है। नींद होंदी भी ऐसी कपत्ती चीज़ है, कई बार इन्ना अंबैरसिंग कर देंदी ना तुहानूं। मतलब कई मैं बंदे वेखे जे बस च चढ़दे आई उन्होंने टिकट लैन तो पहला नींद आ जाती। सीट वेखी, सीट ते डिगे, नाल ही सिर सुट लेंदे। तो जो कनैक्टर आके मोढ़ा हलून के टिकट पुछदन, फिर वो भी ऐ देखते औखे जो उठ गए। तो जिदा चंगे भले सुपने जी जमदूत दिस पे होंगे, हाँ जी किधर, कनैक्टर पुछदा। फिर याद करके दसन भी मैं किधर जाना, अमृतसर। और कई मैं वेख्या जी अपना जाती नुकसान बहुत करते हैं। कोई फिल्म वेखन जाएंगे सिनेमे च, ब्लैक च टिकट लैन गए, 80 रुपये वाली टिकट भी 120 रुपये की लैके अंदर वड़नगे। तो उन्हें जाते नंबरिंग तो ही नींद आ जाती है। एक बारी विचों उठते हैं इंटरवल से बाद, फिर अखीर तो ही उठते हैं। फिर आवांगे। कहीं मैं वेख्या जी हस्पतालों किसी पेशेंट को बैठे होंगे, ड्यूटी लगी होंगी मरीज को बहन की, आप ड्यूटियां लैन। नहीं कोई नहीं कोई नहीं पापा जी, मैं कोई नहीं जी, मैं सारी रात जागा, ऐसी केड़ी गल है, मैं बैठा। तो लोगों ने जान की देर है बाकी अद्धे घंटे बाद। मतलब मरीज की हाय हाय सुन के जाग खुलती है तो मरीज को कहणगे नींद आई तो सौं जा, सौ जा। मरीज का आसानी कन्या होंगे भी मैंने तो पीड़ा होनी है, मैनू कितने नींद बुरा हाल तो तेरा है। और मेरे डैडी की तो खास प्रॉब्लम है ना, उन्होंने पता नहीं कितने नींद आ जानी। मतलब तो बाथरूम च गए हो ना, कई बार पौने घंटे बाद पूछी रहे डैडी जी को खराबी है पेट च। और नहीं नहीं पता लगता उत्थे ही सौ गए। अच्छा उन्होंने एड्डी कसर है नींद की, वो किसी ने स्कूटर मोटरसाइकिल बह के जाते हैं, पिछे बैठे नींद आ जाने, अगले तो मोढे च वजन डे होंगे। डैडी मेरे मतलब कोई बंदा पूरा हो जाए तो वो अर्थी को मोढ़ा नहीं देंगे जाके। उन्हें पता मैं मोढ़ा देना, मैं राह च नींद आ जानी, मैं सौ जाना, मुर्दा भुड़किया जा पैना, बेचारा फिर मर जाए। हुण जिद्दां साडा प्रोफैशन है जी, साडे प्रोफैशन बल्कि होर भी बड़े प्रोफैशन ने। असीं सड़कां ते रहीदा, कारां च, गड्डियां च बस सारा दिन, क्योंकि कदे शूटिंग ते जा रहे हैं, किते शो ते जा रहे हैं। लोकां नूं लगदा बड़े हसांदे ने, अक्खां वेख लो सुजीआं जी, तीन तीन दिन कई वारी सौण नूं नहीं मिलदे। और फिर बॉडी साडी एडी बगावत कर देंदी ना, कई बार कलाकारां दी, पुलिस वाले बेचारे या लीडर लोग जिन्हां नूं सौण नूं नहीं मिलदा। फिर उन्हां दियां तकलीफां भी इदां दियां होंदियां, कदी बांह सौ गई, कदी लत्त सौ गई, कदी इत्थों पिछों लक्क सौ गया, कदी लगदा दिमाग सुत्ता सुत्ता है। मेरे नाल दा कहंदे तैनूं इदां क्यों हुंदा? मैं भरावा आप ते सौंदा नहीं, बॉडी किश्तां 'च सौंदी है। और फिर कई बारी गड्डी चलाउंदे, कारां 'च आम तौर ते वेखीदा तीन चार जणे नाल बैठे होंदे, उन्हां दा साह सुक्किया होंदा, चलाउण वाला विच झपकी मारदा, फिर आप ही कहंदा हुंदा नहीं कोई, मैं ठीक हां, मैं ठीक हूँ, कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक। मतलब वो कहता ठीक होंगे, नाल लहू सुक्या होंगे सारे होंगे। और मैं वेख्या नींद च, तुसीं भी वेख्या, तुहाडे नाल हुंदा भी होना। बसां गड्डियां च बैठे हैं, सुते पिया, लगता सुपने च पता नहीं बंदा केड़ी गल नूं हां करी जाण दिया। तो इस करके पता नहीं लगता इस चीज़ का। और देखो नींद का जिद्दां तुहानूं पहलों दस्सिया भी पता नहीं कदों आ जानी, क्यों आ जानी, कित्थे आ जानी। खास तौर पर बच्चों का तो बिल्कुल ही पता होंदा। तुसी घर जाते हो थके टुटे वोटे, कहते आ गए शुक्र है, सुखन ने तो जान खाधी हुई सी मेरी, इन्ना तंग करन दिया सी, वंडरलैंड जाना, वंडरलैंड जाना, वंडरलैंड इन्हूं वंडरलैंड लैके चलो, ये तो मेरी जान खा गया, दोपहरी सुत्ता भी नहीं इस चक्कर च, पापा कदों आउणगे, वंडरलैंड जाना, इन्हूं प्लीज़ वंडरलैंड लै चलीए। बंदा बैग बूग जा रखदा अपना, मूँह माजा तो उत्थे चलो लै चलदे। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਾਕੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਚਲੋ ਚੁੱਕੂ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਕੋਣੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਲਾਲੂ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਹੈਂ ਫੁੱਲ ਚਮਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, पार्लीमेंट सैशन चल रहे, लालू जी सुते ने। उन्होंने बाद पूछा भी लालू जी की गल तुसी पार्लीमेंट सुते हो? देखे हम कहीं भी सो सकते हैं, हमारा काम है दूसरों की नींद हराम करना। सो इस करके मैं किसी ने की कहना, मैनू अपना पता दुआबा कॉलेज जलंधर पढ़ता हुंदा सा, सब तो वधिया नींद मैनू अंग्रेजी के पीरियड च आउंदी। साडा यार जे रिंपी, ओहदी तुहानू करतूत दसदे, ओहदे पिछे जे मंगणी होई है, हुण मोबाइल फोन उधर भी है तो मोबाइल फोन इधर भी है, ऐसा रात को मोबाइल फोन ला के शुरू होंगे, गल्लां करते करते इधर भी नींद आ जाती है, उधर भी नींद आ जाती है। वो सवेरे ही पता लगता, ओहो 7 घंटे 16 मिनट की गल है। इदा ना साडा यार दीप जदों नूं विआहण गए ना, उहदी जदों शादी, लम्मे पिंड वाला दीप तुहानूं कई बार दस्सिया मैं, उहदी भी नींद बड़ी भैड़ी है। वो लावां चलन रही तो अपनियां लावां ते ही सौ गया, 2 लावां होईयां, तीजी लावां तो पहलां सौ गया। और भाई जी कहण उठो तो उठे ही ना, मैं मोढा हलूणिया, मैं कहा दीप ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਕਲ ਪਾਵਾਂ। और वैसे किसी को की कही, हिंदुस्तान वैसे भी कुंभ करनी नींद का रिवाज है। देख लो हिंदुस्तान के इसलिए कतलो गारत हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, धर्म के नाँ से बड़ा बेड़ा गर्क हो रहा साडे मुल्क का, पर हुकूमत सुत्तियां ने। पंजाब की गल कर लीए, सभ्याचार के नाँ से और नंगेज फैलिया, एडा गंद पिया, पर असीं सुत्ते हैं, साडा जमीर सुत्ता, सानू कैसी कुंभ करनी नींद आ रही है। बच्चे एजुकेटेड होने की थां ते एडिक्टेड हो रहे हैं, पर असीं सुत्ते हैं, साडा जमीर सुत्ता। सो अखीर ते मैं जरूर कहना चाहांगा, जे वाकई चैन की नींद सौना चाहुंदे हो ना तां प्लीज़ जागो जागो। जिद्दां इस कुड़ी नूं हुण मैं क्या सी, तुहानूं भी सारिआं नूं कहना चाहांगा, जागो मोहन प्यारे। जे बसुरा ना हुंदा मैं सारा ही सुना देना सी। वैसे बसुरा होने के बावजूद भी मैं गा सकदा, क्योंकि बड़े बसुरे ही गाए जाते अजकल, सुरां वाले सुते ने। सो इस बारे गलबात आपां जे होर करदे आं, मैं थोड़ा जिहा रियाज कर लवां, एक छोटी जी ब्रेक ले लीए जी। सो मिलदे आं ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद स्वागत है आप सबका घुग्गी ऑनलाइन विच। हाँ जी घुग्गी जी, ए देख लो हुणे मेरे ते ते तुहाडे ते नींद बारे तवा लागे हटे है, ते आप पूरियां नींदां च है। आपां भी बेसुरा गा के उठाइए इन्हां नूं, जागो मोहन प्यारे। वैसे घुग्गी जी तुसीं बिल्कुल ठीक किया सीगा, नींद कदे भी ते किते भी आ जांदी है। नहीं नहीं मैं सुता तो नहीं सी, उदा ही सुपना लैन दिया सी। पता है पता है, चलो तुसी अपनी नींद नूं छड्डो ते साडे दर्शकां दे अंदर जेहड़ी सवालां दे जवाब जानन दी इच्छा जागी है ना, उंदी पूर्ति कर लैने आ। एग्जैक्टली जी, वेखो साडे कोल सब तो पहला सवाल किन्ना दा, कित्थों है और सवाल की है? सब तो पहला सवाल पूछ रहे ने राजेश पसरीजा जी पानीपत तो। घुग्गी जी सत श्री अकाल, मैं राजेश पसरीजा पानीपत तो बोल रहा। जरा पतला होने का कोई सही जा उपाय दसो। बड़ा कुछ किया, डॉक्टर को भी गए, डॉक्टर ने कहा जी तुसीं हस हस के सेहत बनाई है, हुण थोड़ा गमगीन होकर विखाओ। तो गमगीन भी हो लिया, लेकिन मोटापा नहीं घट होया। कोई सही जा उपाय दोस्तों। सब तो पहला तो पसरीचा साहब तुहाडी ये गल ही गलत है भी डॉक्टर ने कहा गमगीन हो तो पतले हो गए। वो जे हस हस के बंदा मोटा होंदा, साडा ते काम ही हसन हसाउण दा। मैं ते सोफे ते पूरा होण दिया हुंदा ते अदनान सामी जिन्ने ओह गमगीन गाने कौन गाउंदा? फिर तो मेरी सेहत जिहड़ी अदनान सामी वाली हुंदी, अदनान सामी मेरे वांगू हुंदा। सो गल ये तुहानू डॉक्टर साहब ने गमगीन होण दी नहीं, सीरीयस होण दी सलाह दित्ती होनी। पसरीचा साहब थोड़े सीरीयस होवो अपनी सेहत प्रति, थोड़ा सैर सपाटे ते जाया करो। हुण कई मैं वेखिया जे बंदे बेचारे मोटे हुंदे ने पर सैर सपाटा नहीं करदे, करनगे भी सैर ते नाल दे नूं कहणगे चल यार आज फिर सैर करके आईए। कित्थे तक ओह मच्छी बड़ी स्वाद बनाउंदा ही तलदा, बड़ी वधिया मच्छी खा के आने आ। कई कहणगे चाह फिर सैर मार के आईए, उत्थों नाले आइसक्रीम खा के आने, नाले सैर करके आने। ओह फलाना कुक्कड़ बहुत अच्छा बनाउंदा, चल मुर्गा खा के आईए। भी उन्नी सेहत तुहाडी घटनी नहीं सैर नाल जिन्नी तुसीं उत्थों कुक्कड़ खा के वधा के आ जाणी। सो वैसे भी तुहानू अपने हादसे पर कंट्रोल करने की लड़ नहीं, सिर्फ अपनी सेहत पर कंट्रोल करने की लड़ है। वैसे जे इदा ही वधेगी फिर लोग जरूर थोड़े हसन लग पैणगे पसरीचा साहब। बाकी जी गल है भी ये मोटापा जोड़ा एकदम घट भी ना करो, ये फायदे बड़े होंगे जी। मोटे बंदे ने कितने कोई माड़ी कुर्सी नहीं देता पाया, इन्हूं पता कितने तोड़ ही ना दे यार। फिर मोटे बंदे को कपड़ा नहीं छेती कितने मंगता, यार अपने कपड़े दई मैं विआह वेख आवां। और फिर मोटे बंदे नूं हमेशा कार दे विच अगली सीट मिलती पैन नूं, ते पिछे ज्यादा बंदे बह जाणगे। मौजां भी बड़ियां जे। वैसे भी तुहाडे वरगी सेहत का बंदा होवे ते लोकी वेख के कहिंदे कि चंगे खांदे पींदे घर दा लगदा बई। एकदम तुम सेहत घटा ली तो लोगों कहना यार इन्हों का बिजनेस मठा जहा पिया लगता बड़ा लिस्सा जहा होया। बिल्कुल चिंता नहीं करनी पसरीचा साहब, सेहत तुहाडी बहुत अच्छी है, नाले सानू भी माण हुंदा तुहाडे अल वेख के। साडे प्रोग्राम दे एडे तगड़े तगड़े दर्शक भी हैगे हैं जी। सो मैनूं लगदा पसरीचा साहब तुहानूं अच्छा लगा होगा जवाब मेरा। घुग्गी जी थैंक यू वेरी मच। घुग्गी जी उन्होंने तो तुहाडे कोलों पतले होण दा उपा पुछया सी ते तुसीं उन्हां दी फेवर च जवाब दे के काम खराब कर दित्ता। उन्होंने तो फुलके होर कुप्पा हो जाना। पसरीचा साहब समझ गए ने जवाब जिहड़ा कुप्पा वाला नहीं सी है उपा वाला ही सी। पर मैनू की लोड़ है मैं डॉक्टर वांगू उन्होंने कहा भी गमगीन हो जाओ। मैं तो यही कहूँगा कोई नहीं पसरीचा साहब होर रंगीन हो जाओ। तो उन्होंने अपनी इच्छा है कि जी उन्होंने सलाह अच्छी लगेगी रख लेंगे। तुम मेरी ये सलाह मनो कि अगला देखो साढ़े को सवाल की है कितों। बिल्कुल जी अगला सवाल पूछ रहे हैं राजीव जी फिरोजपुर तो। मैं तो जी बोल रहा फिरोजपुर तो क्वेश्चन पूछना चाहना जो डॉक्टर मरीज वास्ते पर्ची लिखता है दवाइयाँ की उन्हें लिखाई क्यों नहीं समझ आती। आनी चाहिए भी नहीं महाराज डॉक्टर बहुत सियाने हैं जी। उन्होंने लिखाई समझ आने लगी मेरे वर्गा बंदा 10 बारी पर्ची लिखा के सारा समझेगा कि बीमारी की कि दवाई लिखते हैं मुड़ के बंदा आप डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर ने एवं इनियां पढ़ाइयां कीतियां जे लिखाइयां ही समझ आउण लग पईयां ते नाले वैसे भी जड़ियाँ कई बार डॉक्टर ने बीमारियां पढ़िया होंदियां 6 महीने बाद नवी बीमारी इंट्रोड्यूस हो रही है अजकल इस करके गोलमोल जे लिख देंदे भी मैनूं लगदा ओह बीमारी होनी चाहिए आह दवाई दे दो। और वैसे भी डॉक्टर नूं खुदा समझिया जांदा, खुदा तो बाद दूसरा रूप खुदा दा डॉक्टर ही है। और जिहड़े केमिस्ट ने ओह भी इन्हां दे भाई हुंदे ने भरा ही हुंदे ने। सो इत्थे वो कहावत भी लागू होंदी है लिखे मूसा पढ़े खुदा। एक दूसरे की लिखाई है समझते हैं नाले असी की लैना डॉक्टर ने कितना लिखा। मेरा तो मतलब है मेरी लत्त पीड़ ठीक होनी चाहिए, नज़ला रुकना चाहिए, अगला जिदा मर्जी लिखे मेरे ढिड च पीड़ होंगी। मोरओवर तुसीं वेखो जी हुण डॉक्टरां ने कभी CT स्कैन वेखनी हुंदी बेचारे ने ऐ करके, कभी उन्होंने साडे वो हार्ट बीट चैक करनी हुंदी है, कभी MRI चैक कर रहे हैं। वो सारियां वेखो ना तुसीं ऐ zigzag जा रही होंदियां। हुण उन्हां वाल वेख के डॉक्टर लिखी जांदे ने अल्टीमेटली फिर लिखाई भी उन्हां वर्गी हो जांदी, लगदा स्कैनिंग ही लिखी सारी। तो चक्कर है मोर देखो असी क्यों टेंशन लैनी है जी। असी डॉक्टर की पढ़ाई वेखनी है डॉक्टर पढ़िया किन्ना है डॉक्टर लिखिया कि कोई मतलब नहीं जी। क्योंकि ढिड च पीड़ हटानी है साड़ी बीमारी हटानी है डॉक्टर की पढ़ाई ने ना कि डॉक्टर की लिखाई ने। इस करके आप टेंशन नहीं लैनी। ये नहीं कि पर्ची लैके डॉक्टर को पढ़ते ही जाओ कैमिस्ट तक। कई बार राज ठेडा भी लग जाता है, आप ठेडा नहीं खाना, कैमिस्ट आपे ही पढ़ेगा। साडा काम है दवाई लैके खानी। ठीक है रवि जी मेरे ख्याल में जरूर तुहानूं तसल्ली होई होगी थोड़ी जी। थैंक यू घुग्गी जी। घुग्गी जी वैसे ये गल तो मैनू भी समझ नहीं आई कि सानू डॉक्टरां दी लिखाई समझ नहीं आती पर कैमिस्ट फटाफट पढ़ लेंदे है। और बई उन्होंने दवाइयां घट पढ़नी होंदी ते लिखिया पढ़ना होंदा भी किन्नी कमीशन जानी डॉक्टर साहब नूं सारा हिसाब करना होंदा शाम नूं अगले ने बह के। खैर उन्हों का हिसाब उन्होंने नाल अपना हिसाब किताब देखिए भी साडे कोल अगला सवाल कित्थों है किन्ना दा। अगला सवाल पूछ रहे ने समरदीप जी जलंधर तो। सत श्री अकाल घुग्गी जी मैं समरदीप जलंधर तो बोल रही हाँ। मैं तुहाडे कोल एक गल पूछना चाहती हाँ जिहड़ी अजकल दी वर्किंग लेडीज़ ने यह अपने बच्चों को प्ले वे छड्ड जांदियां ने कि यह बच्चों के फ्यूचर वास्ते गल सही हैगी या गलत। समरदीप ने सवाल विंटर च पूछा जवाब देना तो नहीं चाहिए वैसे चलो दे देने फिर भी। वैसे जिन्नी इस बच्ची के मूँह से मैं मासूमियत वेखी ना बेचारी दे एक्सप्रैशन वेख के लग रहा है भी यदि मम्मी नूं प्ले वे छड्ड गई मुड़ के लैन नहीं आएगी। सवाल बहुत अच्छा पूछा जी वैसे इन्हें। दरअसल समर गल है कि जिदा हूँ परिवारों के अड होने का चलन बढ़ गया, परिवार छोटे छोटे होंगे जा रहे, कले कले होंगे जा रहे हैं। ये मजबूरी बन जाती है वर्किंग लेडीज़ की कि बच्चे अपने क्रच च या प्ले वे छड्डने पैंदे है। जे परिवार कट्ठे होंगे तो बच्चे दादे दादियाँ की गोदियाँ खेडते, ताई खिडाउंदी, चाची खिडाउंदी, हुण ओह गल्लां नहीं रही। और लेडीज़ में भी देखो अजकल वर्क बेचारियों नूं करना पैंदा वर्किंग लेडीज़ ने। इस करके जिहड़ा जिगर दा टुकड़ा हुंदा ओह फिकर दा टुकड़ा बन जांदा वी इहदा हुण की करां, काम ते वी जाणा ते फिर औखा भी बड़ा है, इह मजबूरी छड्डने पैंदे। हुण अल्टीमेटली की है वी अज दा माहौल है वी बच्चियां नूं फिर नौकरी अपने मम्मी डैडी लगन लग पैंदे। और देख लो ओह वी समां ना किते आ जावे जे इसे तरह ही चलन वधदा गया ना भी जिदा हुण बच्चे नूं प्ले वे क्रच छड्ड के अपने कामां ते रहे ते जो बच्चे ने वड्डा होना फिर वो भी सोचेगा भी हुण मम्मी डैडी भी ओल्ड जे हो गए इन्हां नूं भी किते बजुर्गां वाले प्ले वे जी छड्ड आईए यानी बिरध आश्रम जी छड्ड आईए उत्थे बैठे 12 टैणी खेडी जाहन। ये हो सकता जे क्योंकि टिट फॉर टैट ऑल राइट। थैंक यू घुग्गी जी। थैंक यू समरदीप। सो देखो साडे को अगला सवाल किहड़ा रोजी जी। रोजी जी तुसीं बड़े सैड जे हो गए की गल मेरा जवाब पसंद नहीं आया। नहीं घुग्गी जी दरअसल मैं भी शूटिंग ते आने लई ना अपने बच्चे नूं क्रच छड्ड के आई सीगी। जरा जल्दी जल्दी कर लो मैं भी उन्हें जाके ले आवां उत्थों। हुण कालियां पईयां हैं चलो कोई गल नहीं मैं तो खैर अगे बड़ी काली झोना। इदां करो अगला सवाल वेखो साडे कोल किन्ना दा कित्थों और सवाल की है। अगला सवाल पूछ रहे ने गुरमीत पटियाला तो। घुग्गी अंकल सत श्री अकाल मैं पटियाला से गुरमीत सिंह। मैं शक्तिमान बन के उड़ना चाहता हाँ। मैं शक्तिमान की ड्रेस भी सिलाई है पर मैं उड़ नहीं सकिया। दसो मैं शक्तिमान बन के किवें उड़ां। मैं तो दसा ही दसा बेटे सब तो पहले तुसीं दसो भी उड़ के जाओगे। उड़ना तो बेटे हवा च पैना और इस वे हिंदुस्तान के जिन्नी प्रदूषित हवा है ना बेटा, रिस्क नाल ढाई दिन बीमार होके हस्पताल च पै जाओगे बेटा। तो इस करके मेरी एक निक्की जी सलाह मनो बेटे कि तुसीं उड्डण का ख्याल फिलहाल छड्ड दिओ। मोरोवर बेटे देखो तुसीं उड्डणा कोई सौखा काम नहीं है। उड्डण वास्ते शक्तिमान वांगू उड्डण वास्ते लखा करोड़ा रुपये खर्चने पैंदे बेटे, सीरियल बनाने पैंदे बड़े बड़े बड्डे। फिर शक्तिमान साहब आप थोड़ा उड्डदे, ये तो डायरैक्टर उडाउंदा उन्होंने, प्रोड्यूसर उडाउंदे उन्होंने। गल ये भी है ना बेटा कि देखो ड्रैस सवान नाल थोड़ा उड्डिया जा सकता है, समय तरह चेंजिज आउंदियां रहिंदियां। हुण जिद्दां लोकी शक्तिमान बन के उड्डणा चाहते हैं, इदां ही पहलों बच्चे रामलीला वेख के साडे टाइमां दे विच हनुमान बन के उड्डणा चाहते हुंदे सी। मैं भी बजरंग बली जी बन के कभी उड्डण की कोशिश की, दो तो इन्हों की लत्तां तड़ाइयां बच गई। अजकल बच्चे रुर्र घूम के शक्तिमान जी वांगू है उत्तों कोठियां नूं टेक रहे हैं, कई बेचारे बिल्कुल ही उड़ के बच्चे, बहुत दुख लगता बेटे उदों। खैर बेटे मैनूं जिहड़ा एम दिस रहा ना तुहाडे उड्डण दे विच, तुसीं उड्डणा चाहुंदे हो हवा दे विच जरूर उड्डो बेटे, पर शक्ति पैदा करो, ऐसे मैन बनो कि बेटे कल नूं तुसीं पायलट बन सको। फिर जहाज लै लै के उड्डो बेटे, नाल सवारियां उड़ा के लैके जाओ दूर दूर तक, कल्ले क्यों उड्डणा है। और वैसे भी बेटे जिद्दां दी तुहाडी लुक आ रही है ना, जे तुसीं उड्डणा ही चाहते हो तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह नूं फॉलो करो, तुसीं नैक्सट यानी कि दूसरे फ्लाइंग सिख बन सकते हो हिंदुस्तान लई। गॉट द पॉइंट? सो मैनूं लगदा बेटे मेरी गल तुहानूं समझ आ गई होएगी। थैंक यू गुग्गी अंकल। घुग्गी जी वैसे तुसी ए गल बहुत वधिया कीती है। ओ गल्लां मैं सारियां ही वधिया करदा रोजी जी, तुसी वैसे मेरी गल वल कदी गौर ही नहीं करदे। अगले सवाल वल गौर करिए। चलो सवाल वल गौर करियो, गरीब वल गौर ना करियो कदी भी। खैर गौर ना देखो जी अगला सवाल की है, किन्ना दा पूरे गौर ना जवाब दईए। अगला सवाल पूछ रहे ने रजिंदर सिंह जी दिल्ली तो। घुग्गी जी मैं रजिंदर सिंह दिल्ली तो बोल रहा। ये जिहड़ा स्क्रैप कांड चल रहा है इहदे बारे थोड़ा प्रकाश पाओगे कि हिंदुस्तान नूं हुण कबाड़ भी बाहरों मंगाना पैंदा है, ये क्यों? स्क्रैप कांड यानी कि कबाड़ कांड मैं समझ गया जी, जिहड़ा अखबारों के अजकल बहुत चर्चा के विच है, जिहड़ा पिछले जे अखबारों च आपां पढ़िया कि बंब गोले बरूद मिसाइलों के टुकड़े जिहड़े वो आ रहे हैं कबाड़ के रूप हिंदुस्तान च। पर असीं गौर बड़ी लेट कीता है सरदार रजिंदर सिंह जी। कबाड़ तां बड़े सालों का साडे देश दे विच आ रिहा, पश्चिमी देशों ने थोड़ा साडे इधर कबाड़ भेजे अपने कल्चर का, यानी कि साडे बच्चे अपना कल्चर भुल भुला के 60-70 रुपये जे गोरे बन के अंग्रेज बन के तुरे फिरदे, टाइट जी कुटमी जीन पा ली, कस के शेव कर ली, तो चलो जी आप उधरले बन गए। ये भी एक तरह का कबाड़ ही आया जी उधरों। और उस तो इलावा नशे का पूरा कबाड़ साडे इधर आया, जवानियां जिहड़ियां दुध मखणा ना पालियां सी नज़र ही नहीं आउंदियां, इस वेले तो लगता सारे बच्चे छिट्टी दे पाले हुंदे ने जिद्दां। और उस तो इलावा तुसीं वेखो जी जिहड़ा साडे इत्थे फैशनां दा कबाड़ आया, उन्हें तो कुड़ियां दी मर्यादा दा कबाड़ा ही कर छड़िया, कुड़ियां कपड़ियां तो बाहर हो गई। इस कबाड़ ने बड़ा कबाड़ा किया साडे मुल्क दा, इधर कदी किसी दा गौर क्यों नहीं गया। ये जिहड़ा कबाड़ च आया बंब फटिया हुण सारियां नूं सुनिया, ते जिहड़े गुज्जे बंब चलन दे सी अजे तक क्यों नहीं किसी नूं दिसे? वो साडीआं सरकारां नूं, साडी पुलिस नूं, साडी फौज नूं पता ही नहीं लगा किन्ने सालां दा इत्थे आ कबाड़ साडे मुल्क च आई जांदा। वैसे अजे भी मैं कहना देर आए दुरुस्त आए, वरना वो हालात इत्थे पैदा हो जाने सी जी अजे भी आपां ना थोड़ा जिहा गौर कीता। इह देश ही मैनूं लगदा कबाड़ च किते वेचना पैना सी। वो मैं तो हैरान बड़ा, बाहरों कबाड़ मंगाउण दी लोड़ की पै गई? वो अपने थाणियां दे बाहर जाके वेखो तुसीं, स्कूटर मोटरसाइकिल कारां बसां ट्रक वड्डे वड्डे खड़े ने, केसां दे फैसले नहीं होंदे, वो खड़े खड़े कबाड़ हो गए ने, फाइलां कबाड़ हो गईयां अदालतां च पईयां, केसां दे फैसले नहीं होंदे। सरकारी मैं कहना स्कूलां जाके वेखो, सरकारी दफ्तरां दे विच जाके वेखो, फर्नीचर पिया पिया कबाड़ होण दिया, जंदरे लगे ने, किते काम ही नहीं आउंदे। सरकारी हस्पतालां जाके वेखो, मशीनां पईयां पईयां कबाड़ हो गईयां, किसी गरीब मरीज दे काम नहीं आ रही। वह हैरानी की गल साढ़ियाँ कितने गई खुफिया एजेंसियां, वो किदां दा अज तक वेखो बरूद इत्थे कबाड़ च आई जाण डे। वैसे एक गल मैनूं खुशी भी होई जी, मैं चाहुंदा कि सारी दुनिया के जिहड़े मारू हथियार ने ना कबाड़ ही बन जाण, ते सारे मुल्क अपना कबाड़ इकट्ठा करके किसी खूह खाते च पा देण, इंसानियत बची रहे जी। मेरे ख्याल नाल रजिंदर सिंह जी मेरी गल नाल तुसीं भी सहमत होवोगे। थैंक यू कुगी जी। सर गल तां तुसीं आ वी बहुत सियाणी कीती है। गल्लां रोजी जी मैं सियाणियां ही करदा, दरअसल तुहानूं हुण समझ आउण लगी है, पता क्यों? क्योंकि तुसीं एक सियाणे बंदे नाल रह रह के हुण सियाणे जे हुंदे जांदे हो। फर्क पैंदा जी अच्छी संगत दा। ठीक है, आपां हुण अगली सियाणी गल भी कर लईए। मैनूं पता है सर तुसीं किहड़ी सियाणी गल कहनी है, तुसीं कहना है देखो अगला सवाल किहड़ा है। अजे भी मैनूं लगदा तूं पूरी सियाणी नहीं होई रोजी, अजे तैनूं होर थोड़ी देर मेरी संगत दे विच रहना पएगा। दरअसल मैं सियाणी गल इह करन लगा सीगा कि उधर घड़ीअल भी गौर कर लओ। हम घड़ी सानू ये कह रही है कि छोटी जी ब्रेक भी ले लीए, ठीक है जी? सो मिलते हैं ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है आप सब दा घुग्गी ऑनलाइन विच, ते इस खूबसूरत माहौल नू होर भी बनाने आ हसीन। ते क्यों तैयार है साडी लाफ्टर मशीन? तैयार नहीं जी, तैयार बार तैयार है। फौजियों नू पुछना नहीं पैंदा हुंदा वी जंग ते जान नू तैयार हो फौजी। और लाफ्टर दी शुरुआत ही अज अपने घर चों करदे हैं, यानी कि बोहणी अपने घरों करदे हैं। ओरिजिनल लाफ्टर ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ 3-4-5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੜਾ ਤਨ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਲਾੜ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਾੜ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ 7 ਜਨਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 7 ਜਨਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ हाँ जी मैं क्या मैंने पता है अपना भी 7 जन्म का रिश्ता है बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दस दिया ये 7वां जन्म ही है सो कई बार तो कुछ लोगों की ऐसा कमाल कमाल दी गल्लां वेखण सुनण नूं मिलदियां ना भी इदां मत्था ही टेकना पैंदा भी तुहाडे रहियां रूहां भी इस धरती ते होईयां वो साडा दोस्त गुरिंदर मगना मुंबई वाला गल दसदा हुंदा मुंबई दी कहंदा उत्थे इक लाला जी मतलब तुहानूं पता मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ने उत्थे चौथी मंजिल ते उन्हां दा घर तो 22वीं मंजिल के उत्ते छात से खड़े थले दुनिया वेखण डे ने उत्तों वेखदे वेखदे कि बैलेंस बिगड़िया तो उत्तों डिगे 22वीं मंजिल ते एडे कंजूस टाइप आदमी भी जिदा डिगते डिगते अपनी चौथी मंजिल के अगों लंघन लगे नाल ही वोटी नूं आवाज़ मार गए आ पुष्पा मेरी रोटी ना लाई अज जलंधर साडे दोस्त ने पब खोलिया जी जिन्हों आपां ठेठ पंजाबी भाषा च हाता कह दिंदे ने ते जिहड़ा ज़्यादा थोड़ा वधिया जिहा बना लिओ पब बन जाता दारू दूरू पींदे लोकी उत्थे बह के आ पिछले हफ्ते की गल है जी शराबी साहब पहले टली के अंदर आए मतलब पहले रसोइयां हिलियां सी डायल हिले हुए सी अंदर आए तो आंदे ही टेबल पर बह के ठप 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 टेबल थापड़िया मैनेजर आप आया वो अच्छा कस्टमर आया लगता कहता हाँ जी सर दसो कहता अज असीं बहुत खुश हाँ जिन्हें भी पब दे बंदे बैठे है सारे साढ़े वालों दारू पियाई है ये दो पैग सारे पिया उन्हें सारे दो पैग पियाते तो नाल ही साढ़े मैनेजर भी कहता उन्होंने इदा गल है खुशी बराबर होंगी है दो पैग तुसी भी लाने साढ़े वालों मैनेजर साहब ने भी दो पैग चाढ़ ले भी फ्री च लवा दिया सानू की दिक्कत है खैर जदों उठ के जान लगा कहता पैसे पैसे पूरे तो साढ़े को घट ही होंगे जी पैसे है नहीं कहता मन तो ही मौजी है दिल दे शाह पैसे पूरे घट ही उन्हें फिर सिट लिया थले वेटर ने भी कुटिया मैनेजर ने आप भी कुटिया कलेश बहुत ज़्यादा पै गया खैर गल मुक्की तो एडा ढीठ 2 दिन बाद फिर आ गया पब च एंटर करते कहता कहता अज असीं फिर बहुत खुश हाँ दो पैग सारे लवा रहे हो साडे वल्लों पर मैनेजर साहब तुसीं ना लाओ तू यार पी के बाद लड़न लग पने यार अच्छा वेखो तुसीं साडे वैसे कल्चर दे एक ये भी चीज़ शामिल है जदों तुहानूं कोई बंदा बहुता याद आवे ना तुहाडा मन डरन भी लग पैंदा भी ठीक होवे सही अज उस बंदे दा दूसरी बारी जिक्र आउण लगा मेरे इसे प्रोग्राम च फिर उही गुरिंदर मकना अपनी उहदी प्रॉब्लम यह है कि बेचारा छड़ा अजे तक पहलों कुआरा हुंदा सी हुण छड़ा हो गया इह च फर्क हुंदा है कुआरा हुंदा जिन्नूं विआह दी आस होवे छड़ा हुंदा है हो गया ठीक है नहीं फिर तां है ही है जी वो पिछे जे मिलिया ना मैनूं मैं करा लिया विआह और नहीं यार कहता बस मैं आपको नहीं कराया मैं क्यों नहीं कराया हुआ बस कहना जिंदगी निकल गई यार इसे चक्कर ची वेखते रहे कोई अच्छी कुड़ी मिले कोई अच्छी कुड़ी मिले कोई चंगी कुड़ी मिले उहदे नाल विआह कराइए कोई चंगी कुड़ी मिले मैं कहा फिर तेनू जिंदगी च कोई चंगी कुड़ी नहीं मिली नहीं कहता एक चंगी कुड़ी मिली सी लाइफ से बहुत चंगी कुड़ी मिली सी मैं फिर उहदे नाल क्यों नहीं विआह कराया यार वो अगों चंगा मुंडा लभदी सी इदां साडा इक यार है जी इंदरजीत सिंह बागी पटवारी साहब है टूटी है टूटी शैतान दी टूटी 150-200 शैतान इकट्ठा करके घोटिए तो वो सारे मटीरियल का एक बनाइए तो साडा बागी बनता बहुत वैसे कमाल का आदमी एक दिन चंडीगढ़ मैं गया तो बड़ा टेंस बैठा मैं कहा इन्हूं मैं कभी इदा वेख्या नहीं मैं तो परेशान हो गया मैं कहा बागी साहब इन्नी मैं कहा टेंस मुद्रा तुहानूं पहले ही वेख रहा नहीं यार क्योंकि मैं सच्ची बहुत परेशान हाँ मैं कहा की होया कि यार एडी केड़ी गल हो गई यार मैनूं कहंदा बीमारी हो गई एक केड़ी मैं क्या और नहीं यार कहता दरअसल गल है कि मैनू बीमारी है मैं गल्ला ही बोली जाना यार जदों वेखो मैं अपने आप नाल गल्लां करी जावांगा अपने आप नाल गल्लां करी जावांगा और मैं कहा जा यार मैनू डराता सी इह किहड़ी एड्डी बीमारी वाली गल है हैं कई बंदे वेखे मैं अपने आप नाल गल्लां करदे रहिंदे ने और नहीं यार कहंदा अपने आप नाल गल्लां करना कोई एड्डी परेशानी वाली गल नहीं दरअसल कहंदा मेरी परेशानी है मैं अपने आप नू बोर बहुत करना मेरियां गल्लां बड़ियां बकवास हुंदियां सो ठीक है जी जी तो करता सी अजे होर सुनावा तो जोक पर वो वेखो समा रहा मैनू रोक सो इसलिए समा आ गया तुहाडे कोल इजाजत लैन का इजाजत दिओ मैनू इस एपीसोड लई अगले हफ्ते फिर तुहानू मिलांगे इस प्रोग्राम दे विच कीप वाचिंग गुग्गी ऑनलाइन